यहाँ पर माही क्या बना रही है दिखाती हूँ। माही बना रही है ढोकला। एक्चुअली कल्याणी ने माही को ढोकला सिखाया था, अभी वहां पर थी ना तो हम लोग उधर गए थे, तो ढोकला माही को सिखाया था, वही बना रही है अभी, बना के देख रही है। और यहाँ पर दूध भी बॉईल हो रहा है, और ये यहाँ पर माही आज ढोकला बनाने वाली है ये रोबो कुक में। मैंने ही बोला उसे, देखते हैं रोबो कुक में कैसे बनता है ढोकला। तो अभी इनो डाल रही है इसमें, ये छाछा सब कुछ डाल दिया है, ये सूजी का ढोकला बन रहा है यहाँ पे। और हाँ, कुछ लोग पूछेंगे कि ग्लास का जार कहाँ गया, तो ये अभी वॉश करके यहाँ पर रखा है। दूध पहले आ गया था तो इसी वजह से ये इसमें डाल दिया था। अभी देखो जल्दी से वो करना पड़ेगा। हाँ, एक साइड से और फिर डाल दो। पता नहीं अभी कैसा बनेगा, माही पहली बार घर पे बना रही है। वहाँ पर तो बनाया था मैंने, बहुत टेस्टी बना था, बट अभी पहली बार घर पे बना रही है ना, तो देखते हैं कैसे बनता है। ये देखो अभी, और वो भी रोबो कुक में बना रही है। वो इडली वाला दबाना, ठीक है, पहले ऑन कर देना चाहिए था ना वो। अरे पहले पिन लगानी है। हाँ लगा दो। ओके, ये भी हो गया। अभी उसमें रखो। वो वाला सिलिकॉन वाला ले लेते ना, ये मक्खियाँ कैसे आ रही है। सिलिकॉन वाला ले लेती, जान दो, सिलिकॉन अभी वाला डाल दो। गायब हो गया। गायब हो गया, ये रखो। रख दो, ये ढक्कन रखो ना। यस, एक मिनट एक मिनट, यस। हाँ अभी ये अपने आप ले लेगा आपका नेल लग टाइमर। गया। अरे टाइमर ले लेगा ये अपने आप अभी, और हो जाएगा। ये बंद करके रखो बेटा, इसका वो चला जाता है फिर। गाइस, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले एक प्रोडक्ट का क्विकली रिव्यू शेयर कर देती हूँ आपके साथ, और वो प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही काम आने वाला है, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और वो प्रोडक्ट है ये सुनोवा का ऑर्गेनिक स्पिरोलिना। अगर आपको स्पिरोलिना नहीं पता है क्या होता है, तो स्पिरोलिना एक शैवाल होता है गाइस, जलीय वनस्पति जिसे साइनोबैक्टीरियम भी कहा जाता है। शैवाल तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पैदा होता है, जैसे ताजे पानियों की झीलों में और प्राकृतिक झरनों में भी उत्पन्न होता है, और उसके बाद खारे पानी में भी शैवाल होता है। कई जगह आपको शैवाल देखने के लिए मिलता है, बट उसके फायदे जो है हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं गाइस। तो उसकी ही ये कैप्सूल बनाई गई है, शैवाल के कैप्सूल यानी कि स्पिरुलिना। हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे ज्यादा शैवाल में पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए इसे सुपर फूड माना जाता है। इसमें कई प्रकार के पोषण तत्व होते हैं गाइस, विटामिन, खनिज और भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। एक बहुत अच्छा नेचुरल फॉर्म में मिलने वाला एनर्जी बूस्टर भी है गाइस। एक बॉटल में आपको 60 वेजिटेरियन कैप्सूल मिल जाते हैं, और इन 60 वेजिटेरियन कैप्सूल में आपको 500 ग्राम स्पिरुलिना मिलता है। 500 ग्राम स्पिरुलिना मतलब 2 किलोग्राम कैलोरीज आपको मिल जाती है इसमें से गाइस। इसमें 0.29 ग्राम प्रोटीन और 0.29 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। इसमें शुगर और फैट बिल्कुल भी नहीं है, और इस कैप्सूल में 10 से ज्यादा विटामिन, 60% प्रोटीन और 10 से ज्यादा मिनरल्स भी है। अब जान लेते हैं इसके फायदे क्या क्या है। ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। इसमें विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई, फास्फोरस, लोहा और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में है। आपको अगर इसे लोगे ना तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट दिखने लगेगी, स्किन ग्लो करने लगेगी और झुर्रियां भी नहीं आएंगी। ये तो हो गया स्किन के लिए। अभी आप अगर डायबिटिक पेशेंट हो, अगर आपको डायबिटीज वगैरह है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है गाइस। ये खून के कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत अच्छा रहेगा इसकी वजह से, अगर आप इसे लेते हो रेगुलर तो। ये आपके बालों को भी सही रखता है, मतलब आपके बाल का झड़ना और आपके बाल में पोषण देना, आपके बालों को चमकदार बनाना, इसकी वजह से आपके बाल भी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और गाइस ये गैस्ट्रिक अल्सर में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मौजूद है, और ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। आपको अगर डायबिटीज है, या आपके फैमिली मेंबर्स को डायबिटीज है, या आपके दूर दूर के रिश्तेदार को भी डायबिटीज है ना, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए स्पिरुलिना के फायदे। या तो आपके रिलेटिव है या फ्रेंड सर्कल में किसी को डायबिटीज है, तो इसके फायदे आप उन्हें बताइए, और आप उन्हें ये गिफ्ट भी कर सकते हो, बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा उनके लिए ये।
और जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है गाइस, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल और भी अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आपके भूख को कम करती है और आपके वजन को ऑटोमेटिक कम करने में हेल्प करती है। इसमें जो फॉलिक एसिड है गाइस, वो ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ब्रेन इससे बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है, इसकी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी आपकी हेल्प हो जाती है। गाइस आप इसे एज अ मल्टीविटामिन कैप्सूल भी यूज कर सकते हो, जैसे बहुत सारे मल्टीविटामिन कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल है, बट उससे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। स्पिरुलिना के फायदे आप एक बार सर्च कर लेना, बहुत ज्यादा फायदे है स्पिरुलिना के, इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है गाइस। ये एक ह्यूमन बूस्टर का भी काम करता है, इसे आप वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें बहुत कम कैलोरीज है, उसके बाद शुगर भी नहीं है और फैट भी नहीं है, तो आप इसे वेट लॉस के लिए भी यूज कर सकते हो। आप जब इसे लेना स्टार्ट करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक फर्क देखने के लिए मिल जाएगा, और इसे कोई भी ले सकता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसका साइड इफेक्ट होगा कोई या कुछ भी होगा, आप इसे बिंदास ले सकते हो। अगर आपको फिर भी डर लगता है तो आप इसे अपने डॉक्टर से पूछ के लेना, तब आपको तसल्ली मिल जाएगी और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। इसी वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस पे लेना है या उसके लिए लेना है, आप किसी भी चीज के लिए इसे ले सकते हो, आपको फायदा ही मिलने वाला है। इसमें आपको इस तरह की ग्रीन कलर की कैप्सूल मिलती है गाइस, देखिए। इस एक कैप्सूल को आपको दिन में दो बार लेना है खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी के साथ। और गाइस इसके प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, 250 इसकी एमआरपी है। उसमें भी आपको अगर ऑनलाइन आप परचेस करते हो तो डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत सस्ता है और आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। पक्का आप इसे ट्राई कर सकते हो, और जब भी ट्राई करना मुझसे शेयर जरूर करना कि आपको इसके क्या क्या फायदे देखने के लिए मिले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। ये देखो यहाँ पर गरबा चालू हो गया इनका, ये और आज का कलर है ब्लू गाइस, तो हम लोगों ने सबने ब्लू पहना है। अभी मैं जाने वाली हूँ बाहर, एक्चुअली जो साड़ियां मैंने ली थी दशहरे के लिए, दिवाली के लिए, उसका ब्लाउज स्टिच करने डालने जाना है, और अभी तक निकलने का टाइम ही नहीं मिला। वीडियो बनाया आज यूट्यूब जर्नी वाला, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोग, और अभी अगर नहीं देखा होगा ना तो जल्दी से जाके देख लीजिए गाइस, आपको बहुत पसंद आने वाला है और आपको हेल्प भी होने वाली है। और सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपने अभी तो ब्लॉग टाका है, फिर डाला है। बोलो बोलो। अभी तो आपने ब्लॉग डाला है, फिर इन्होंने देख लिया होगा ना। हाँ देख लिया होगा, वही तो बोल रही हूँ मैं। बोल रही क्यों? ये वही तो बोल रही हूँ। अच्छा कॉल आ रहा है मुझे, मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए अभी आज ना मैं जाने वाली हूँ वो उसके लिए, यहाँ पर गरबा होता है हमारे कॉलोनी में ही, देवी है वहां पर गरबा होता है, वहां पर खेल वगैरह खेले जाते हैं। मेरा हमेशा की तरह गणपति के टाइम पे भी वही प्रॉब्लम था और अभी भी वही प्रॉब्लम था, तो अभी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, टेंशन खत्म हो गया है मेरा। आज मैं दर्शन करने जाऊंगी, अच्छे से फ्री हो गई हूँ आज, सब कुछ। अभी तक मन नहीं कर रहा था, इसी वजह से हिंदी चैनल पे ब्लॉग नहीं आ पाया। वहां पर जो भी ब्लॉग मैंने बनाए थे वो मैंने एडिट करके डाल दिए अपने मराठी चैनल पे, अभी भी जा ही रहा है वहां के ब्लॉग्स, मतलब सूरत के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मराठी चैनल पे चेक कर लीजिए, वहां के ब्लॉग भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। उधर से आने के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं किया, यहाँ पर आने के बाद तो फिर कहीं पर जाने के लिए नहीं मिला। मंदिर में जाने का मन था तो मंदिर में भी जाने के लिए मिला, अभी कल जाऊंगी। आपका जो मन था ना अम्बा देवी के दर्शन करने का, तो वो मैं आपको करवाऊंगी पक्का, कल जाऊंगी अम्बा देवी के दर्शन करने। तो आप ब्लॉग देख लेना, शायद मराठी ब्लॉग बनाऊंगी वो मैं, तो वो भी ब्लॉग देख लेना आप। अभी मैं जाने वाली हूँ पहले स्टिच करवाने डालने जो ब्लाउज है वो, नहीं तो फिर दशहरे के टाइम तक मिलेंगे नहीं मुझे। और दिवाली का तो टाइम है, दिवाली का भी डाल देती हूँ अभी, दिवाली को तो टाइम है, दिवाली का तो कभी भी मिल जाए तो ठीक है, बट दशहरे का जल्दी मिलना चाहिए, इसी वजह से डालने जा रही हूँ। और उधर के उधर ही मैं मंदिर में जाऊंगी, मतलब वहां पर देवी के पास जाऊंगी और वहां पर आज खेल वगैरह देखूंगी, बहुत मजा आता है। बोल रही है माही, माही डेली जा रही है बट मेरा जाना नहीं हो रहा था, तो चलिए कोई बात नहीं, होता है। अभी निकलती हूँ और सारे काम करके आती हूँ। मुझे छोड़ के जा रहे थे? नहीं रे, आपको छोड़ के जा सकते हैं क्या? चलो पत्थर थे उसलिए। चलो चलो निकल रहे हैं गाइस। नहीं वहाँ पर कितना
ब्लाउज सिलाने तो डाल दिए मैंने अभी, मतलब कल का जो ब्लाउज है, मतलब कल नहीं परसों का सुबह परसों मिलेगा, और जो दिवाली का है और उसके बाद एक और डाला है तो वो पता नहीं कब मिलेगा, तो वो उसका टेंशन नहीं लेने वाली, अभी जो परसों मिलने वाला है उसका टेंशन लेती हूँ, क्योंकि अभी जो भी डालना था वो डाल दिया, इसके बाद नहीं आऊँगी, इसके बाद वही आएंगे और लेके जाएंगे, मतलब ये माई के पापा आएंगे और लेके आएंगे, तो बस डालना था वो नेक बैग बताना था, और पिछली बार जो डाला था जहाँ पे डाला था उसी बुटीक में डाला है इस बार भी, तो चलिए अभी घर पे चलते हैं। चलिए गाइस आ गई हूँ मैं घर, और बच्चे गए हैं एक्चुअली पड़ोस में आंटी के घर, कन्या खिलाना है वहाँ पर खाना खाने गए हैं, तो जब वो आ जाएंगे बच्चे खाना खा के आ जाएंगे ना, उसके बाद मैं जाऊँगी वहाँ पे देवी के पास, आज तो वहाँ पर मज़ा आने वाला है, वहाँ पर गरबा भी खेलेंगे और गेम्स वगैरह भी खेलेंगे। अभी आरती पता नहीं हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग उधर से आए तो पता ही नहीं है वो आरती हुई है या नहीं, क्योंकि 8 बजे आरती हो जाती है, 8 बजे से पहले ही आरती हो जाती है, बट हमें अभी 8:30 बज गए हैं घर पे आने के लिए ही, तो मैंने बच्चों को आंटी के घर छोड़ दिया और अभी वो खाना खा के आएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी वहाँ का भी सब कुछ आपको दिखाऊंगी क्या क्या होने वाला है वहाँ पे। अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग बताओ, आ गए क्या, चला गैस जास्त ज्ञान पाते हैं मेरे पास रिमोट कंट्रोल कार नहीं थी इसी वजह से मैंने गरबा नहीं खेला काय केले ते नहीं उसको बस पीछे उतर रहा डबल डबल ले रहा वो और खाया कुछ नहीं काय अद्वी चला तू इतन तिकडेच गरबाला आज बंद है। गाइस दोबारा से जा रही हूँ एक्चुअली मैं गई थी वहाँ पे और फिर पता चला कि वहाँ का जो डेग है मतलब जो टेप होता है जो बचता है वो क्या बोलते हैं पता नहीं उसे, तो वो ख़राब हो गया है, तो वो रिपेयरिंग के लिए डालने गए थे और रिपेयर करके लाने तक फिर वेट करना पड़ता था वहाँ पे, तो इसी वजह से मैं अद्विक को लेके घर पे आ गई थी और माही वहाँ पर ही पड़ोस के दीदी के पास रुक गई थी, और वो जो ख़राब हो गया था ना टेप तो उसको रिपेयर करके लाया है, और अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है आपको, देखो देखो आ रही है ना आपको आवाज़, तो चलो अभी जाती हूँ, कॉल करने के लिए बोला था मैंने माही को तो माही का कॉल आया था, तो अभी जाती हूँ मैं और वहाँ पर जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। देखो सुनो आवाज़ आ रही है आपको, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना ये यहाँ पर टेंट है, यहाँ पर बिठाइए देवी, तो चलो वहाँ पर जाते हैं और फिर जाके क्या होगा वो आपको दिखाऊंगी। गाइस आ गए हम लोग, और आज का लास्ट डे था ना तो इतना नहीं किया क्योंकि हवन बनाना है वहाँ पे, तो इसीलिए क्या गरबा भी नहीं इतना ज्यादा खेला और कुछ भी गेम्स वेम्स नहीं खेले है ना, कल तक तो माई बोल रही थी कि बहुत ज्यादा गेम्स वगैरह खेले गए और उसके बाद वो भी गरबा भी बहुत अच्छे से खेला ना, 12:30 बजे तक गरबा चल रहा था हमारा तो। हाँ तो देखो, और आज तो मैं गई तो मुझे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला, मैंने सोचा कि माही को इतना इंटरेस्ट कैसे आता है वहाँ पे, तो आज लास्ट डे था ना तो इस वजह से उनको हवन बनाना है, कल हवन है इसीलिए फिर वो बोले कि आज गरबा थोड़ा सा ही खेलते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ही गरबा हुआ, चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा वहाँ पर जाके।
कल वो हवन करेंगे। हवन होगा। तो चले गाइस, मैं सोच रही हूँ अभी इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। मिलती हूँ गाइस अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को तोड़ फोड़ देना, वीड़ो को नहीं घंटी को तोड़ फोड़ देना। हाँ तो चले फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। बाय बाय। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय गाइस, ध्यान रखना अपना। इधर इधर।